कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बहुत ही जाने माने विद्वान हैं, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से इनकी खिंचाई होती रहती है। आप इस ट्वीट को ही देखिए, जनाब ने एक फोटो पर गलत ट्वीट किया और फंस गए। फोटो थी सोवियत संघ की, लेकिन शशि थरूर ने गांधी परिवार के कसीदे पढ़ने के लिए इसे अमेरिका का बता दिया, कह दिया कि नेहरू जी भी अमेरिका में बहुत लोकप्रिय थे। कमेंट करना चाह रहे थे मोदी पर, लेकिन फंस गए जनाब। ताज्जुब तो ये है कि बाद में बड़े आराम से ये कहकर विवाद से निकल भी गए कि भाई मैंने तो ये फोटो फॉरवर्ड किया था, इसमें मेरी क्या गलती। वैसे अमेरिका नहीं तो सोवियत संघ में नेहरू फेमस तो थे, लेकिन शशि थरूर साहेब अब आपको संभलना होगा। हो सकता है जल्द ही आप अपनी ऐसी किसी गलती के लिए किसी कानूनी दायरे में फंस जाएं और आप पर केस तक हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने कल तीन बातें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि हमें एक ऐसी बैलेंसिंग करना है जहां पर यूजर्स की प्राइवेसी और भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनका पालन, राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके साथ साथ जो बढ़ते हुए अपराध हैं, और उन्होंने स्पेशली डार्क वेब की बात की है, इन सारे जब का हम एक साथ संतुलन कैसे बनाएं, और इस बारे में सरकार को उन्होंने 3 हफ्ते के भीतर एक शपथ पत्र एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने के लिए हमारी सोई हुई सरकार को सख्त कानून बनाने के लिए कड़े लहजे में फटकार लगाई है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसके मिसयूज के साथ इस पर दूसरों की भावनाओं का खिलवाड़ करने, हंसी उड़ाने, कमेंट करने वालों के खिलाफ भी कानून सख्त हो सकते हैं। शशि थरूर साहब, अब आप समझ गए होंगे हम आपको क्यों सचेत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से कितना नाराज है, कितना विचलित है, हाल ही में उसके द्वारा की गई इस टिप्पणी से साबित हो जाता है। उसने कहा कि सोशल मीडिया डार्क वेब पर 5 मिनट की मेहनत कीजिए और आप दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार AK-47 तक खरीद सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गूगल इंटरनेट का ओनली 30% तक ही एक्सेस कर पाता है और बाकी का 70% है डार्क वेब, जिसका इस्तेमाल हथियारों, ड्रग्स और इलीगल एक्टिविटीज के लिए होता है। इसी बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट तक में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 15 दिनों की मोहलत दी है, कहा है सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने की दिशा निर्देश के साथ हाजिर हों। वैसे ये जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी सरकार के डिजिटल नारे के बीच में अभी तक कुछ पुराने कानूनों के सहारे ही सोशल मीडिया पर ना के बराबर लगाम कसी हुई है। वैसे सरकार ने कोर्ट में कहा है कि जल्द ही वो कुछ नए कानून के साथ सामने आ रही है। इस बारे में सोशल मीडिया जो होती कंपनियां हैं, इनको इंटरमीडियरी बोला जाता है, और इंटरमीडियरी के लिए सरकार ने आईटी एक्ट के तहत एक रूल्स बनाए हैं जिनको आईटी इंटरमीडियरी रूल्स कहते हैं, 2011 में बने थे। उन रूल्स में बहुत पुराने थे, तो उनको नया एक पूरा रूप देने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं। उन ड्राफ्ट रूल्स को अभी लागू नहीं किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप ये बताएं कि जो नए कानून है, जो नए नियम है, वो कब तक लागू होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग अपनी सीमाएं लांघ चुका है। देश ने तो हाल फिलहाल में इसके दुरुपयोग का स्वाद भी चख लिया है। याद कीजिए हाल ही में पाकिस्तान ने किस तरह कश्मीर के हालात को बद से बदतर बताने के लिए भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। यही नहीं, विश्व की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड नेशंस तक में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि महिला लोधी ने अमानवीयता की शिकार एक लड़की की फोटो को कश्मीर की बताकर पेश किया, बल्कि ट्वीट भी कर दिया। बाद में सच्चाई सामने आ गई कि फोटो सीरिया में घायल हुए पाकिस्तानी लड़की की थी। इस तरह के तमाम किस्सों की बात करेंगे तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। समय आ गया है कि देश के अंदर और बाहर जहर फैलाने वाले इस सोशल तंत्र पर कड़ी निगरानी हो और दोषियों को सजा मिले। किसी को डराने, किसी को बदनाम करने, किसी की गोपनीयता को तार तार करने के लिए जिस तेजी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। जरूरी है अब सरकार भी जागे। मेरी सहयोगी सुमन कांसरा के साथ अनुजन रॉत की न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।
और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।